मैं विश्व भर में सब देव दीपावली का पावन पर्व है, आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है, मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए तदरगी बेसन पाइए, यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, उनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।